हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, ग्रुप डी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे ग्रुप डी ने एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया था, जिसमें कि लाखों कैंडिडेट का फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया था फोटो और सिग्नेचर की वजह से। तो रेलवे ने एक नया अपडेट दिया है, वो अपना फोटो और सिग्नेचर जो है वो दोबारा से अपलोड करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों के पास डिटेल पहुंच जाए जिनका फोटो और सिग्नेचर जो है रिजेक्ट हुआ था। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन भी ऑन कर लीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो जो है आगे भी लेते आएंगे और रेलवे की जो तैयारी है वो भी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अभी आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे अभी जो लिंक अपडेट हुआ है वो ये है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको बताता हूँ क्या नोटिस है। मैंने इस लिंक पे क्लिक कर किया और इस तरह से नोटिफिकेशन जो है हमारा डाउनलोड हुआ है। तो आप ये देखिए नोटिस में क्या आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नोटिफिकेशन है ये। तो यहाँ पे देखिए देखिए आपका जो फोटो अपडेट करने की जो लिंक है वो आज 12 बजे से खुल जाएगी, यानी कि 17/8, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 17/8/2019 को ओपन हो जाएगी ये। और ये लिंक जो है वो ओपन रहेगी 23/8/2019 तक, यानी कि आप इस इन डेटों के बीच में अपना फोटो और सिग्नेचर जो है दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। और ये अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म दोबारा से एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, इसकी डिटेल आपको 23 अगस्त तक रेलवे आपको दे देगा। इसकी जानकारी रेलवे जिन स्टूडेंट का वैकेंसी मतलब फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको SMS के जरिए भी और ईमेल पे भी भेज चुका है। तो आप लोग अपना ईमेल और SMS भी चेक कर ले, आपको फोटो करेक्ट करने का मैसेज आया होगा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उनको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधे इस जगह पे आ जाइएगा। यहाँ से आप अपना जोन जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा होगा हाजीपुर के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सिंपल सा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाली जो कैप्चा है ये आप इस बॉक्स में भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा लॉग इन कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और सिग्नेचर आप ध्यान रखिएगा, आपका जो फोटो होगा वो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि मोबाइल से खींच के और वो कीजिएगा, आप स्कैन करके करवाइए। क्योंकि आपको दोबारा मौका मिला है, इस अगर इस बार आप सही से फोटो अपलोड नहीं करते तो आपको कोई दूसरी चांस नहीं मिलेगी। और आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटो कलर होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए और ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए, और दोनों के दोनों स्कैन करवा के किसी साइबर कैप से स्कैन करवा के तब आप अपलोड कीजिएगा। अगर आप लोग अपलोड करने में सक्षम नहीं है तो आप किसी नज़दीक के साइबर कैप से जाके मदद ले लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार पटेल।